नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं रेशमि विद्यांत आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी बनाने के लिए। आज मैं केले के फूल की सब्जी बनाने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। केले के फूल की सब्जी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये फुल आयरन और कैल्शियम से परिपूर्ण है। ये बंगाल की एक फेमस रेसिपी है। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। डेली रूटीन के खाने के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, केले के फूल की सब्जी को बनाने से पहले आप छीलने और काटने की विधि को भी समझ लीजिए। तो सबसे पहले केले के छिलके को हटाकर अंदर ये जो फूल है इसे रख लीजिए। इसी प्रकार से बाकी की पत्तियों को भी हटाइए और फूल को रख लीजिए। इन कड़े पत्तियों को तब तक हटाते रहिए जब तक कि अंदर की नरम और सफ़ेद कलर की पत्तियां नहीं आ जाती हैं। आप देख सकते हैं छिलके को हटाते हटाते अंदर का सफ़ेद कलर की नरम पत्तियां सामने आ जाती हैं। इसका छिलका हटाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही नरम होते हैं। अब इसके पीछे का जो ये जो डंठल है इसे तोड़ के डंठल को हटा दीजिए और इसे रख लीजिए। अब ये जो केले के फूल हैं एक लीजिए और इसके अंदर एक तीली की तरह रहता है और सफ़ेद कलर का गोल आकार का एक पार्ट रहता है, आप देख सकते हैं। इन दोनों को फूल से हटा दीजिए और फूल को रख लीजिए। इसी प्रकार से बाकी के फूल को भी बिन लीजिए। अब केले के फूलों को चाकू के सहारे इस प्रकार से बारीक बारीक काट के रख लीजिए। अब इसे भी इस प्रकार से चाकू के सहारे बारीक बारीक काट लीजिए और रख लीजिए। और उसके नीचे का जो ये कड़ा हिस्सा है उसे फेंक दीजिए। अब कटे हुए फूल में एक एक करके थोड़ा नमक डालें, थोड़ा हल्दी पाउडर डालें और इतना पानी डालें कि जाके ये बिल्कुल से डूब जाए। अब इसे 8 घंटा ऐसे ही छोड़ दीजिए जाके इसका कड़वाहट बिल्कुल से निकल जाए। आठ घंटे बाद मैंने इसके पानी को निकालकर साफ पानी में 3 से 4 बार अच्छे तरीके से धो लिया। अब इसे उबालने के लिए प्रेशर कुकर में डालें और फिर आधा गिलास पानी डालें। यहाँ एक बात ध्यान दें कि पानी आधा गिलास से ज़्यादा मत डालें क्योंकि इसकी सब्जी सूखी बनती है। जब ये उबल जाए तो इसके पानी को हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। अगर पानी फेंक देंगे तो सब्जी के सारे पौष्टिक तत्व पानी से निकल जाते हैं, इसलिए पानी हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालकर कुकर को इस प्रकार से थोड़ा हिलाएं और मीडियम फ्लेम में ढक्कन को बंद करके 5 सीटी बजाएं। जब कुकर का सारा वेपर निकल जाए तो ढक्कन को खोलें। केले के कटे हुए फूल उबल के रेडी हैं। अब इसे ठंडा करने के लिए एक बड़े से थाली में डालकर ठंडा कर लें और इसे इस प्रकार से फैला दें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे इस प्रकार से अच्छे तरीके से मैश कर लें। अब इधर कढ़ाई में 6 टीस्पून देसी घी डालकर गरम कर लें। जब देसी घी गरम हो जाए तो 2 आलू को छिलकर हटाकर छोटा छोटा काट लें और कढ़ाई में डाल दें। अब इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें। आलू बिल्कुल से सुनहरे हो चुके हैं, अब इसे कढ़ाई से निकाल लें। अब उसी घी में एक एक करके 1 तेज़पत्ता और 2 खड़ा लाल मिर्च डालें और 1 बड़े साइज़ के प्याज को भी बारीक काट कर डाल दें। अब प्याज को थोड़ी देर हल्का फ्राई करें। प्याज हल्के फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें एक एक करके 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालें
और 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें। अब इसे अच्छे तरीके से सुनहरा होने तक फ्राई करें। प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 2 छोटे साइज के टमाटर के पेस्ट को डालें। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 टेबलस्पून गरम मसाले के पेस्ट को डालें और फिर उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर मसालों में डालें। अब मसालों को थोड़ा चलाकर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को तब तक फ्राई करें जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ने लगें। मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, ये तेल छोड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मसालों का कलर कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें फ्राई किए हुए आलू को डालें। अब इसे अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम में 2 से 5 मिनट चलाएं और फिर इसमें उबले और मैश किए हुए केले के फूल को डालें। अब इसमें आवश्यकता अनुसार नमक डालकर अच्छे तरीके से चलाएं और फिर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में ढककर छोड़ दें ताकि आलू इसके अच्छे तरीके से गल जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक कर ले रही हूँ कि आलू गले हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब फ्लेम को हाई करके इसके अतिरिक्त पानी को बिल्कुल से सुखा लें और बीच बीच में इसे चलाते भी रहें ताकि इसका निचला हिस्सा जल ना जाए। अब आप देख सकते हैं सब्जी का पानी बिल्कुल से सूख चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। आपके सामने हेल्दी एंड टेस्टी बंगाली स्टाइल केले के फूल की सब्जी बनके रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।